देखिए जी, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे इस स्ट्रक्चर को सीलिंग फैन के अंदर किस तरह फिट किया जाता है, वो हम आज की इस वीडियो में आपको सिखाएंगे। तो इसको मैंने वाइंडिंग किया है, ये अंदर से जल गया था स्ट्रक्चर, तो इसकी मैंने न्यू वाइंडिंग की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस स्ट्रक्चर को इस सीलिंग फैन की बॉडी के अंदर किस प्रकार फिट किया जाता है वो सिखाऊंगा। तो चलिए, हम आज की इस वीडियो में आपको इस स्ट्रक्चर को सीलिंग फैन के अंदर किस प्रकार फिट किया जाता है। तो देखिए, इसके अंदर ये बैरिंग भी है, अगर ये बैरिंग जाम हो जाए, अगर इसके अंदर ये ग्रीस सूख जाता है, तो आप इसको ऑयलिंग कर देना, थोड़ा थोड़ा ऑयल भी यहाँ पे लगा देना दोनों पे। मैंने पहले से इसके अंदर ऑयल भी दे दिया है, बिल्कुल फ्री है। तो ये स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने इसकी न्यू वाइंडिंग की एकदम कंप्लीट, ये जल गया था। इसको इसके अंदर फिट करेंगे। फिट करने के लिए ये इसके अंदर स्प्रिंग आती है, वो स्ट्रक्चर के नीचे यहाँ पे लगा देंगे और फिर आपको इस तरह फिट करना। देखिए यहाँ पे मैं इसके अंदर फिट बैठाऊंगा और ये इसकी रिंग आती है, देखिए। तो ये इसको भी इस तरह ऊपर से इसके अंदर बैठाएंगे, देखिए आपको बढ़िया तरीके से बैठानी है। और ये स्ट्रक्चर इसके तरह इसके अंदर आराम से घूमना चाहिए और फिर यह वायर इस बैरिंग के अंदर से निकालेंगे, देखिए इस तरह, और इसके अंदर फिट करेंगे। और यहाँ से तीन इस तीन बोल्ट कैसे जाएंगे देखिए, और यहाँ पे देखिए यह वॉल है, देखिए इसके अंदर बोल्ट कैसा जाएगा। तो इसके वॉल के सुराख दोनों छेद आमने से ऊपर आमने सामने ही होना चाहिए। तो अब मैं हथौड़ी से ऐसे ऐसे थोड़ा इसको दबाता हूँ, ठोकता हूँ इसके ऊपर, और इसके ऊपर ये वॉल है यहाँ पे इसके नट कस देंगे। देखिए नट कसते हैं और इसके ऊपर भी नट कस देंगे। बहुत ही सरल है। अगर आप इसके आपके घर में इस तरह का पंखा जल जाए, तो जिस मिस्त्री के पास में मशीन होगी, तो आप इसके अंदर का स्ट्रक्चर उसके पास वाइंडिंग करवा सकते हो, और वाइंडिंग करवाने के बाद में इस तरह आप घर पर फिटिंग कर सकते हो। देखिए मैं इन तीनों बोल्ट को कसता हूँ। कि मैंने तीनों बोल्ट को आती कस दिया है इसके नट को, और ये भी एकदम फ्री है, एकदम बिल्कुल देखिए फ्री है। और ये इसके अंदर से दो वायर शेयर वायर निकले, देखिए यह इस स्ट्रक्चर के अंदर से शेयर वायर निकले, देखिए दो लाल कलर के हैं और दो आसमानी कलर के हैं। तो इसके अंदर से जो ये लाल कलर के वायर निकले हैं, ये रनिंग कोयल के हैं और यह आसमानी कलर के स्टार्टिंग के है। यह तो लाल कलर के वायर है, यह रनिंग के है, रनिंग कोयल के, और यह आसमानी कलर के स्टार्टिंग के है। और फिर ये इसकी कनेक्शन प्लेट भी इसके लगा देंगे, चलिए मैं इसके कनेक्शन प्लेट भी यहाँ पे लगा देता हूँ। और इसको फिट करूंगा कनेक्शन प्लेट को, देखिए। और अब इस वायर को मैं वापस सीरीज के माध्यम से चेक करूंगा कि कहीं ये बॉडी शॉर्ट वगैरह तो नहीं है पंखा, वो भी आपको चेक करके बताऊंगा मैं। तो ये देखिए मेरा सीरीज बोर्ड है, देखिए लाल से लाल पे वायर लगे है, तो ये बल्ब जल रहा है, मतलब ये लाल से लाल अपना वायर चाहिए, और आसमानी से आसमानी पे लगाएंगे तो भी बल्ब जलेगा, सीरीज बताएगा अपना, देखिए तो मतलब चाहिए। और एक वायर अपन बॉडी से टच करेंगे और एक सभी वायर के लगाएंगे, वायर के चेक करेंगे, तो बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब अपना पंखा बॉडी शॉर्ट भी नहीं है, तो ये ठीक ही है। और आपको सीरीज बोर्ड भी बनाना सीखना हो तो कमेंट में बताइए, लिखिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सीरीज बोर्ड भी बनाना सिखाऊंगा, सीरीज बोर्ड कैसे बनाया जाता है।
फिर देखिए इसके कैपेसिटर लगता है, ये लगता है 2.50 mAh का कैपेसिटर आता है इसके लगेगा, ये देखिए। तो ये कैपेसिटर भी इसके लगा देता हूँ मैं, कैपेसिटर भी मैंने इसके लगाया। और अब देखिए इस स्ट्रक्चर के मोटर के अंदर से स्लिंग फैन के अंदर से निकले शेयर वायर, जो दो लाल कलर के और दो आसमानी कलर के, और दो कैपेसिटर के वायर है। टोटल हमारे वायर हुए 6 वायर। शेयर तो मोटर के अंदर से निकले सीलिंग फैन के अंदर से, और दो कैपेसिटर के। तो अब इसकी वायरिंग कैसे की जाती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दो लाल कलर के वायर है और दो आसमानी कलर के वायर है। तो एक लाल कलर का वायर लेना है, लाल कलर में से कोई भी आप ले सकते हो, और एक दोनों दो आसमानी कलर में से भी आपको एक वायर लेना, कोई भी ले सकते हो। और दोनों को आपस में ज्वाइंट करेंगे और इसको कॉमन वायर बनाएंगे। देखिए मैंने एक कॉमन वायर बनाया, एक लाल कलर का वायर लिया है और एक आसमानी कलर का वायर लिया है। लाल कलर के दो वायर है जिसमें से आप कोई भी एक वायर लाल का ले सकते हो, और दो कलर के आसमानी वायर है उसमें से एक आसमानी का भी कोई भी ले सकते हो। तो देखिए मैंने कॉमन वायर बनाया एक, और उसके बाद में पीछे बचे दो वायर, एक लाल कलर का और एक आसमानी कलर का। इसको दोनों को कैपेसिटर के साथ में जोड़ देंगे। तो कैपेसिटर में प्लस माइनस कोई नहीं होता है, आप दोनों वायर में से कोई भी इन दोनों वायर के साथ में लगा सकते हो। तो देखिए मैंने एक लाल कलर का लिया, और इस कैपेसिटर का कोई भी वायर आप इस लाल कलर के साथ में जोड़ सकते हो, आप इसको भी जोड़ सकते हो और इसको भी जोड़ सकते हो, कोई भी, इसमें प्लस माइनस नहीं होता है। और इसको तो इसको अपन आसमानी कलर के साथ में जोड़ देंगे, आसमानी कलर का वायर है इसके साथ में जोड़ देंगे। और अब मैं सीरीज के माध्यम से चेक भी करूँगा, देखिए चेक करके बताता हूँ। सीरीज बोर्ड है, और एक कॉमन वायर के लगाऊंगा मैं, टच करूँगा, सप्लाई दूंगा, एक कॉमन वायर के सप्लाई दूंगा इलेक्ट्रिसिटी। देखिए दो वायर आते हैं ये अपने, एक कॉमन वायर के दी मैंने और एक ये लाल कलर का देता हूँ। देखिए तो मैंने एक कॉमन वायर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी और एक लाल कलर का जो रनिंग का वायर है इसके देते हैं। तो मतलब ये इस तरफ घूम रहा है तो अपना सीलिंग फैन चाहिए, वो भी अगर अपना रनिंग कोल पे घूमना चाहिए। अगर स्टार्टिंग कोल पे घूमता है इस तरफ तो ये सही नहीं घूमेगा, तो वो स्टार्टिंग कोल पे लोड आएगा जिससे अपना पंखा जल भी सकता है आपका। तो देखिए ये मैंने ये कॉमन वायर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दी और एक लाल कलर का जो रनिंग का था तो इस पर दी, तो ये मतलब सही घूम रहा है। और ये अपना है देखिए, एक आसमानी कलर का वायर है और एक कैपेसिटर का साथ में वायर है, स्टार्टिंग का है और एक कॉमन वायर है। तो मतलब ये इस तरफ घूम रहा, मतलब उल्टा घूम रहा है अपना पंखा। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी हम इसके अंदर देंगे वो एक कॉमन वायर के देंगे और एक ये लाल कलर का, इन दोनों का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे। और एक हम इसके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे कॉमन वायर के देंगे और एक इसके रनिंग वायर के देंगे जो लाल कलर का है। तो इस पर दे रहे मतलब ये सही घूम रहा है इस तरफ, इस पर देंगे तो हमारा सही पता घूम रहा है। तो सही अब इसके ये आसमानी कलर का था देखिए, और कैपेसिटर के साथ में इसको बीच में लगाएंगे, बीच वाले पॉइंट में यहाँ पे, इसलिए मैं आपको लगा के बताता हूँ, बीच वाले पॉइंट में लगाएंगे। देखिए मैंने लगाया बीच वाले पॉइंट में, और पीछे बचे ये दो वायर, एक कॉमन वायर और एक ये लाल कलर का जो रनिंग के साथ में था। इन दोनों का आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं कॉमन वायर को यहाँ पे नीचे भी नीचे वाला पॉइंट में लगा देता हूँ। आप इसको ऊपर भी लगा सकते हो, आपको जहाँ पे लगाना हो वहाँ पे। देखिए मैंने कॉमन वायर को नीचे लगाया और इसको ऊपर वाला पॉइंट में लगा देते हैं। देखिए मैंने इस कनेक्शन प्लेट के अंदर वायर के कनेक्शन भी कर दिए, और अब इसको मैं आपको चेक करके भी बताता हूँ, ये सही सीधा घूम रहा है नहीं घूम रहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये सीरीज बोर्ड है और सीरीज वायर, अब मैं इसके अंदर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दूंगा
ये देखिए अपना सही घूम रहा है, सीधा घूम रहा है पंखा। तो इस तरह आप घर पर सीलिंग फैन के अंदर स्ट्रक्चर फिट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।